में और मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पॉडकास्ट शुरू होने वाली है जी जी इंशाल्लाह। और सेट बड़ा बेहतरीन लग चुका है, ऑफ कैमरा भी बड़े सारे लोग हैं। अब हम चचा को लेके आए, इनकी दुआ सुन ले। वसीला है किसी नेक बंदे से जो दुनिया में मौजूद है, दुआ करवाई दे। हालांकि ये हजरत उमर वो है, होगी ऑडियो ऑन है दोनों। अरे पक्की बात है, टाइम इसकी ऑडियो चेक किया आपने? चले अपना रफा ऑडियो। अस्सलाम वालेकुम, मेहराब स्पीकिंग से मेहराब आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज की वीडियो, आज का व्लॉग बड़ा ख़ास और बड़ा ही याद रखने वाला है। आज हम लोग एक स्पेशल वीडियो, स्पेशल व्लॉग आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के पास झेलम जा रहे हैं उनकी पॉडकास्ट करने के लिए। पॉडकास्ट मुकम्मल आपको इंशाल्लाह टीवी और तमाशा यूट्यूब पर मिलेगी। और अभी हम सफ़र में हैं, हमारे साथ हमारी टीम मौजूद, अब्दुल्ला भाई, ज़ैफा भाई, अरसलान है, दाइम है मलंग फैमिली से, और सफ़र बहुत अच्छा होने जा रहा है। कोशिश करेंगे अच्छी गुफ्तगू हो और अच्छे माहौल में बात हो। व्लॉग भी आपने देखना है पूरा, ये वाला इसके अंदर चंद चीज़ें होंगी जो पॉडकास्ट से रिलेटेड होंगी, वहाँ पर क्या माहौल है, इंटरेस्ट हमारी गपशप वहाँ पर मुख्तसर सी, और आपकी सपोर्ट के मुंतजर रहेंगे। और टी फॉर तमाशा को सपोर्ट करना है और इंशाल्लाह बहुत कमाल की पॉडकास्ट और बहुत अच्छा इनिशिएटिव हम लेके जा रहे हैं, तो आपने हमें सपोर्ट करना और हमें देखते रहिएगा। मेरा आप स्पीकिंग को भी टी फॉर तमाशा करूँ। जी तो इस टाइम हम पहुंच आए हैं झेलम और अभी हम नाश्ता करने लगे हैं और ये हमारे साथ मेहराब पे खड़े हुए हैं। अभी आए हैं एकेडमी के पास से हम लोग गुजरे हैं, तो स्टूडेंट्स वगैरह जा रहे थे, हमें मुझे बहुत शदीद भूख क्या लें या चाय की तलब और मैंने चाय चाय पी लें फिर जाते हैं। तो अभी हम करते हैं नाश्ता, उसके बाद मिलते हैं आपसे। अगर हम स्टेबल को आगे करते हैं तो जी हाँ, सेट रेडी है, यहाँ से लेके जाना सर। तो जी ऐसे में हम लोग मौजूद हैं झेलम एकेडमी में और मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पॉडकास्ट शुरू होने वाली है जी जी इंशाल्लाह। और सेट बड़ा बेहतरीन लग चुका है, ऑफ कैमरा भी बड़े सारे लोग हैं, और यकीनन ये मेहराब स्पीकिंग का पहला व्लॉग होगा जो आप देखेंगे। इस तरीके से मैं व्लॉगिंग नहीं करता, लेकिन ये ज़रूरी था व्लॉग बनाना, थोड़ा सा हंसी मजाक में थोड़ा अच्छा माहौल भी दिखाना। हमेशा सख्ती देखते हैं हम लोग, लेकिन थोड़ा सा मुनासिब सा माहौल भी, और माशाल्लाह बड़े कोऑपरेटिव और बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पर। तो यकीनन टी फॉर तमाशा की आज की पॉडकास्ट बहुत अच्छी होने जा रही है, व्लॉग के साथ बने रहें और इंतज़ार करें। हमने भी अनकरीब मरकर इसी जगह पर आना है, हम तुम्हारे लिए भी और अपने लिए भी अल्लाह के हुजूर आफियत की दुआ करें। बिल्कुल आप जाए बड़ी इमाम जाए जी हाँ, तकरीबन सवा घंटे की पॉडकास्ट मुकम्मल हुई अली भाई के साथ। और अली भाई कैसा लगा जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो कोई नाराज तो नहीं है ना, मेरी भी नाराज़ आपने सुनी, मुझे खुशी है। मुझे तो खुशी होती है कि कोई भी शख्स मेरे बारे में कोई राय कायम करने के लिए आए तो मुझसे आके पूछे, इंशाल्लाह हम जिंदा हैं, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकदमा लड़ सकते हैं। साल पहले पॉडकास्ट का आगाज़ किया तो पहले दिन से हमारा मिशन था कि आएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। और यकीनन आपको आज का मुख्तसर सा व्लॉग देखकर अच्छा लगा होगा, मेरा आप स्पीकिंग को सपोर्ट करें। टी फॉर तमाशा भी पूरी वीडियो आने वाली है और इंतजार रहेगा आपकी सपोर्ट का। मिलते हैं नक्शे में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अली भाई